मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ, मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूँ कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है, तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है। 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी, और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। दिल्ली के तथाकथित शराब घोटाले में 2 साल से सीबीआई और ईडी की जांच चल रही है। इस 2 साल में बार बार, चाहे लोअर कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, एक सवाल बार बार उठा है कि मनी ट्रेल कहाँ है, पैसा कहाँ गया। ऐसा कहा गया कि शराब कारोबारियों को मुनाफा पहुंचा, बहुत ज्यादा मुनाफा पहुंचा, लेकिन अगर उन्हें मुनाफा पहुंचा तो उन्होंने किसको रिश्वत दी, उन्होंने किसको पैसे दिए? क्योंकि 2 साल की जांच के बाद, सैकड़ों रेड के बाद, हजारों लोगों को क्वेश्चन करने के बाद, आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता, किसी भी मंत्री, किसी भी कार्यकर्ता के पास से 1 रुपए की भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम की रिकवरी नहीं हुई। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के पास प्रोसीड्स ऑफ क्राइम का, इस मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये सवाल बार बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कोर्ट में पूछा और अपने आदेश में भी लिखा कि मनी ट्रेल कहाँ है। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले इसी तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। ये व्यक्ति कौन है? इस व्यक्ति का नाम है शरत चंद्र रेड्डी। शरत चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। इनके पास कई और कंपनियां भी हैं, जिसमें से 2 प्रमुख कंपनियां हैं, एपीएल हेल्थ केयर और यूजिया फार्मा। शरत चंद्र रेड्डी जी को भी दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी में शराब के कुछ दुकानें मिली, उनको कुछ जोन मिले। शरत चंद्र रेड्डी को 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरत चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई, मेरा आम आदमी पार्टी से कोई लेन देन नहीं है। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। कई महीने जेल में रहने के बाद एक दिन शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी। शरत रेड्डी जी कहते हैं कि मेरी उनसे शराब घोटाले पे बात भी हुई, और जैसे ही शरत रेड्डी ये कहते हैं, उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है? क्योंकि बीजेपी और उनका राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट तो बार बार कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पैसा बना और शराब के दुकानदारों ने इस पैसे को भ्रष्टाचार में, इस पैसे को रिश्वत के तौर पे दिया। लेकिन ये तो शरत चंद्र रेड्डी का सिर्फ बयान है।
जिसके आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूं आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी और अरबिंदो फार्मा का मालिक, एपीएल हेल्थ केयर का मालिक, यूजिया फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया, पैसा कहां गया और पैसा कब गया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूं। मैं उनके राइट हैंड इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूं कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई है, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे, क्योंकि अब पहली बार एक्साइज पॉलिसी के मामले में आधिकारिक मनी ट्रेल सामने आ गया है और ये मनी ट्रेल सीधा शराब के कारोबारियों से भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया है।